अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद है कि आप साहब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो अम्ब्रेलास के बारे में है। अम्ब्रेलास के ऊपर जो है मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्ट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, बेल की तरह उनके फूल होते हैं। तो ये बहुत से कलर में आते हैं, इसको बल्ब से भी ग्रो किया जाता है और सीड से भी। बल्ब से जो बहुत आराम से ग्रो हो जाता है। ये हमारे अम्ब्रेलास हैं, ये इनके जो है हाइट थोड़ी कम है, तो एक दूसरे लंबे वाले भी। ये देखें, ये जब फूल ताज़ा खिलता है इसका तो इस तरह होता है पिंक, तो ये बाद में इस तरह हो जाता है, फेड हो जाता है थोड़ा सा। तो एक जो है प्लांट के ऊपर ये चार से छः फूल भी आते हैं इसके ऊपर। तो ये वाला जो है रेड है, ये देखें इसकी जो है ये चार अभी आए हुए हैं, तो इसकी जो है स्पाइक थोड़ी लंबी है, इसे पाइप की तरह अंदर से ये खाली होता है। और कुछ ये भी लगाए हुए हैं, तो ये बल्ब लगाए हुए हैं सारे, तो ये सालों साल चलते रहते हैं। तो एक बल्ब से जो है कई प्लांट बन जाते हैं आराम से। ये देखिए इसकी दूसरी स्पाइक भी आ रही है। तो जब भी लगाया जाए तो मैच्योर बल्ब लगाया जाए इसका, बड़े साइज़ का बल्ब लगाया जाए। ये देखिए ये हमारे मट्टी में ऐसे मैंने रखा हुआ था बल्ब, तो इधर से इसने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी। आज सुबह हमारी काफ़ी तूफ़ानी बारिश थी, तो ये इसका स्पाइक से जो है ये टेढ़ी हो गई है, इसके ऊपर फूल आए हुए थे ये गिर गए। ये साइज़ के बल्ब लगाए जाए तो जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। ये बल्ब जो है अपने साथ जो निकालते रहते हैं और बहुत जल्दी मल्टीपल होते रहते हैं। ये छोटे छोटे बल्ब भी इस तरह, ये देखें इनको अलग करके लगाते जाएँ तो जो एक दो सालों में मैच्योर हो जाते हैं। ये देखें अभी ये छोटे छोटे इसने भी ये निकाले हुए थे। इसके बल्ब जो है किसी टाइम भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहता है कि अक्टूबर नवंबर में लगाया जाए, तो अप्रैल में ऊपर फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके गमले वगैरह में लगा सकते हैं, जो है 12 से 14 इंच के गमला इसके लिए बेहतरीन रहता है। गमले में लगाने से का एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी मिट्टी जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होगी तो अगर पानी रोका रहेगा गमले के अंदर, तो उससे ये बल्ब गल के ख़त्म हो जाते हैं। और पानी भी जो है इसको मुनासिब ही दें फिर गमले के अंदर, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। खाद वगैरह इसको जो है एक दफ़ा फरवरी में गोबर की खाद अच्छे से दे दें, और एक दफ़ा सितंबर में दे दें, तो ये फिर कोई और फर्टिलाइज़र केमिकल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बहुत ही आराम से ग्रो होने वाला प्लांट है, कई सालों तक चलता है। ये हमारे कुछ घर से बाहर लगाए हुए हैं, ये देखें कटे, एक पे जो है दो स्पाइक्स आई हुई हैं, उसके ऊपर फूल कितने पार के आए हुए हैं। तो ये तकरीबन 10-12 फूल कटे खुले हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं, कटे लगाए जाएँ तो। ये अंदर से निकाल के मैंने कुछ बाहर निकाल दिए थे, तो ये भी अभी मैच्योर हो गए, इन्होंने भी फ्लावरिंग स्टार्ट की हुई है। ये सारे अम्ब्रेलास जो हैं ये सिंगल पेटल हैं, तो कुछ जो है डबल पेटल आते हैं, कुछ मल्टी पेटल, वो भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, काफ़ी बहुत से रंगों में आते हैं। अब तक के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।